हेलो नमस्कार स्वागत है आप सभी का मैं धर्मेंद्र आप सभी का धर्मेंद्र मैथ्स में स्वागत करता हूं आज हम पढ़ने वाले हैं थ्री डी मैंसोलेशन का पार्ट नंबर दो पार्ट नंबर एक हम कर चुके हैं जिसमें हमने काफी सारे क्वेश्चंस यानी चालीस क्वेश्चन हमने किए थे और डेफिनेटली एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो और पिछले परीक्षाओं में पूछे गए जो क्वेश्चन है उन सभी को समाहित करके आपके लिए एक लेक्चर तैयार किया गया है तो फिर से मैं एक लेक्चर तैयार कर रहा हूँ आप लोगों के लिए और आप बिल्कुल उम्मीद है कि आप इसको मेरे साथ ही पढ़ते होंगे अगर वीडियो लेक्चर देखते होंगे तो साथ ही साथ यानी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे डेफिनेटली आपको बहुत फायदा मिलेगा इससे अपने आने वाले एग्जाम्स में फिर वो चाहे रीट हो चाहे सीई हो चाहे आप कोई भी अदर एग्जाम की बात करें जहां पर परेशन का कॉन्सेप्ट आता है फिर चाहे एस की बात करें या पटवार की बात करें रेलवे की बात करें सब जगह ये जो चैप्टर है वो बहुत काम का है। तो मैं आप उम्मीद करूंगा कि आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें आपकी सरल होती है। ठीक है तक क्वेश्चन कर चुके तो से स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर में फिर चालीस क्वेश्चन आप लोग लेकर आ रहा हूँ स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ आज क्या तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा पहला क्वेश्चन इकतालीस का क्वेश्चन है कि एक लंब वृत्ताकार शंकु के आधार का अर्धव्यास सात सेंटीमीटर है शंकु की ऊंचाई चौबीस सेंटीमीटर है तो सबसे पहले अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूं दोस्तों तो इसका डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो शंकु आपको दे रखा है उस शंकु के अंदर आपको बोला गया है कि इसके आधार की त्रिज्या कितनी है इसके आधार की त्रिज्या है अपने पास क्योंकि अर्धव्यास बोला है और ऊंचाई आपको दे रखी है चौबीस तो देखो सात और चौबीस को देख के देख दिमाग में आता है पच्चीस अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो सात चौबीस पच्चीस मेरे लेक्चर्स को अगर आप पढ़ते रहेंगे साथ के साथ तो आपको ट्रिपलेट भी याद होते चले जाएंगे अब क्या कह रहा है इसके आधार के समांतर ऊंचाई के मध्य बिंदु से जाने वाले अनुप्रस्थ काट काट दी जाती है मध्य से ना और नीचे वाले भाग का आयतन निकाले ऐसा क्वेश्चन में पहले लेक्चर में भी पढ़ा था अब अगर मैं इसके मध्य बिंदु से काटूंगा बिल्कुल इस तरह से क्या लिखा हुआ है इसके आधार के समांतर ऊंचाई के मध्य बिंदु से जाने वाली अनुप्रस्थ काट को काट दी जाए तो नीचे वाले इससे का आयतन ज्ञात करें हमने पहले वाले क्वेश्चन में ऊपर वाले का आयतन ज्ञात किया था मैंने आपको समय तरीका बताया था कि अगर ये मध्य बिंदु है तो बेटा ये ऊंचाई इस पूरी ऊंचाई की क्या होगी आधी ये वाले त्रिज्या क्या होगी इसकी क्या होगी आधी हो जाएगी तो एक काम करते हैं पूरे का आयतन निकालते हैं क्या निकालते हैं पूरे का आयतन निकालते हैं और ऊपर का हिस्सा ध्यान रखना अगर इसकी इसकी ऊंचाई और इसकी त्रिजा इसकी आदि है पूरे की आदि है तो इसका आयतन पूरे के आयतन का क्या होगा आठ होगा और मतलब आठवा हिस्सा होगा और आठवा हिस्से में से निचला वाला हिस्सा क्या होगा सातवा हिस्सा होगा तो एक काम कर सकते हैं आयतन निकालो पहले किसका शंकु का एक क्या होता है एक बटा तीन पाई पाई यानी बाईस बटा सात आर स्क्वायर आर का मान यहां पर क्या है सात सात गुणा सात और ऊंचाई कितनी है इसकी चौबीस ये पूरे का आयतन आ जाएगा अब हमें पता है कि पूरे का आयतन और छोटे का आयतन का अनुपात क्या एक अनुपात आठ है तो दोस्तों यहां पर यह हिस्सा जो नीचे का होगा वो सातवा हिस्सा होगा तो इसको एक काम करो इस पूरे को सात से भी गुणा कर लो तो अगर आट, अगर मुझसे ऊपर का पूछता तो एक, होता, एक हिस्सा निकालता है यानी आठवा हिस्सा निकालता ठीक है ये पूरे का अपन ने निकाली पूरे का निकाला है ठीक है उस पूरे को निकाल के अपन ने क्या किया यहाँ पर अपन ने एक इसको सात से गुणा कर दिया ठीक है अब ये सात से गुणा तब करना है जब इसका आठवां हिस्सा आपको करना पड़ेगा पहले क्या करना पड़ेगा दोस्तों पहले आठवा हिस्सा निकालना पड़ेगा यानी आठ से अगर ये पूरा आठ है ये पूरा किसका है आठ है तो मुझे सातवा हिस्से गुणा करना है तो मैंने सात से गुणा कर दिया क्लियर है समझ आ गया होगा चलो सॉल्व करते हैं तो सात से सात कट गया आठती चौबीस से चौबीस कट चुका है ठीक है इसके अलावा हमारे पास कुछ है नहीं काटने के लिए तो बाईस गुणा सात का स्क्वायर हो गया उनचास उनचास अट्ठानवे

फोर्टी टू की बात करते हैं सात सेंटीमीटर ऊंचाई और पांच सेंटीमीटर त्रिजा के त्रिजा वाले एक बेलनाकार बर्तन को पूरी तरह से रेत से भरा गया है ठीक है यानी आपको दे दिया बेलनाकार बर्तन है इसको रेत से भर दिया गया अब कह रहा है जब इस रेत को उड़ेला जाता है तो वह आठ सेंटीमीटर की त्रिजा के एक लंब बेलना वृत्ताकार शंकु के रूप में चला जाता है ठीक है यानी आपने जब उसको उड़ेला तो वो इस तरह से शंकु के फॉर्म में बन के आ गया अब बोल रहा है इस शंकु की ऊंचाई ज्ञात करो तो इसका मतलब क्या है आपने उस बर्तन की जो मिट्टी है रेत रेत है उस से आपने शंकु बनाया तो दोनों का आयतन आपस में क्या होगा समान होगा तो शंकु का आयतन क्या होता बेटा एक बेटा तीन पाई पाई दोनों जगह आएगा समान रहेगा तो पाई को काट देंगे हम लोग तो पाई का पाई रखो एक बटा तीन पाई आर का मान कितना है शंकु के लिए आठ स्क्वायर एच का मान कितना है एच का मान एच है ओके क्योंकि एच पूछ रहा है आपसे उसके बाद इसका आयतन किसके बराबर होगा आयतन आयतन हो बर्तन के जिसका क्लियर दिख रहा है हमें पाई से पाई कट गया तो एच का मान निकालेंगे तो ये हो गया सात पांच पैतीस पैतीस गुणा सा पांच एक सौ पिछहतर डिवाइडेड बाय यहां पर अपने पास तीन ऊपर चला गया डिवाइडेड बाय ट्वेंटी Uh, 24 क्या ओके चलिए सिंपली सॉल्व करना है आपको इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 525 हमारे पास आ गया डिवाइडेड बाय कैलकुलेशन के हिसाब तो से चेक कर लिया मुझे पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ी अगला क्वेश्चन क्या है तयालीसवा बाईस सेंटीमीटर पंद्रह सेंटीमीटर साइज को को लंबी भुजा को मोड़कर बनने वाले सबसे बड़े बेलन का आयतन ज्ञात करो अब एक शीट है उसको ऐसे मोड़ के बनाया। अब उसकी, तो तो उसकी परिधि के बराबर होगी यानी इसकी जो लंबाई होगी वो हमारी परिधि यानी जो अपन ने बेलन बनाया उसकी परिधि के बराबर होगी और ऊंचाई जो होगी वो पंद्रह पंद्रह सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी ओके तो यहां से त्रिजा निकाल लेंगे हम लोग तो बाईस बटा बाईस तो नीचे दो बटा दो और नीचे बाईस बटा सात चलिए तो यहाँ पर त्रिज्या हमारे पास आ गई है सात बटा दो तो तिरजात और ऊंचाई आ अब आयतन, पूछ रहा, तो आयतन का फॉर्मुला क्या होता है पाई आर स्कवायर एच ठीक है तो पाई आर स्क्वायर एच पाई का मतलब बाईस बटा सात है अपने पास सात बटा दो सात बटा दो ऊंचाई का मान क्या है पंद्रह तो सात से कट गया ये गया इससे ग्यारह बार चलो पंद्रह सत्या एक सौ पांच एक सौ पांच गुना ग्यारह एक सौ पांच गुणा ग्यारह डिवाइडेड बाय दो चलो गुणा करो तो पांच पांच एक एक ग्यारह पचपन बाय दो पांच का भाग लगाया सात सात पॉइंट पांच पांच सौ पांच है क्या बिल्कुल समझ आ गया होगा आपको तो जब हमने एक आयताकार शीट को जैसे कि हम बात करें हमारे पास एक आयताकार शीट है जिसे मान लीजिए ये आयताकार शीट है इसको मैंने मोड़ा और इसको मोड़ के जब मैंने बेलन बनाया तो यहाँ पर क्या हुआ जो सबसे लंबी भुजा है वो हमारी क्या बन गई परिधि बन गई यहाँ पर ठीक है तो इस तरह से हम इसको कर सकते थे तो यहां पर आंसर क्या आएगा पांच सौ क्या होगा राइट right आंसर होगा ठीक है तो देखो बहुत आसान था क्वेश्चन क्या है चौवालीस चादर, मतलब चादर की छोटी भुजा उस बेलन की ऊंचाई हो गई तो उस बेलन का आयतन क्या ज्ञात करो तो पहले जैसा क्वेश्चन हो गया तो दोबारा से हम बात करें तो टू पाई आर बराबर क्या गया बेटा हमारे पास चौवालिस क्योंकि ऊंचाई बनाने छोटी बुजा को और ऊंचाई कितनी हो गई हमारे पास दस और अगर

दो सेंट दो मीटर व्यास के एक आधार दो मीटर व्यास के आधार और साढ़े तीन मीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार पात्र में गिरता है यदि पात्र ठीक ठीक पूरा भर गया तो वर्षा कितनी हुई थी आपसे पूछ रहा है अब देखो मेरी बात सुनो हाँ, हमारी छत तो आपने देखी होगी बारिश में जब पानी आता है तो पानी का एक लेवल होता है लंबाई चौड़ाई में तो पानी आता है एक लेवल गनाब के रूप में पानी भरता है अब वो पानी जो आ रहा है वो पानी कहां भर रहा है ये आपको बोल रहा है एक बेलनाकार पात्र में भर रहा है यानी ऊपर से मान लीजिए आपने सारा पानी निकाला और उसके पात्र में आपने क्या किया स्टोर किया तो इसका मतलब ये होगा कि छत पे जितनी बारिश हुई उस वो उस पात्र के आयतन के बराबर होना चाहिए तो छत पे बारिश कितनी हुई मान लेते हैं अब यहां पर देखो ये मीटर मीटर सब मीटर में है चलो कोई नहीं मीटर से स्टार्ट करते हैं ऑप्शन सेंटीमीटर में बाद में देखेंगे इसको ओके okay. तो अपनी छत पे जो पानी आया उसका आयतन क्या होगा बाईस गुणा बीस गुणा एच लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हमने मान लिया और ये आयतन किसके बराबर है ये आयतन बेलनाकार पात्र जिसका आयतन क्या होता है पाईआर स्क्वायर एच पाई आर का मान कितना है आर का मान है बेटा दो दो मीटर व्यास है तो त्रिज्या कितनी होगी त्रिज्या होगी एक पाईआर स्क्वायर एच का मान कितना है साढ़े तीन मीटर ओके okay. ये पात्र पूरा पूरा भर गया है इसका जो आयतन है वो हमारे इसके आयतन के बराबर है तो बाईस से बाइस कट गया हमारे पास ठीक है और हमारे पास पॉइंटों में आ रहा है तो पूरा अच्छा कट रहा है चलो कोई नहीं ये जीरो पॉइंट पांच कट गया हमारे पास तो एच का मान निकालना है मुझे बस तो हो गया पॉइंट पांच डिवाइडेड बाय बीस ये मीटर में तो सौ से गुणा कर लो ये मीटर में सौ से गुणा कर लो सौ से गुणा करते सेंटीमीटर में चला गया तो दो पॉइंट पांच सेंटीमीटर इसकी क्या आ गई हाइट आ गई उम्मीद है समझ आ गया होगा बहुत ईजी था क्वेश्चन ठीक है आसान था थ्री डी का क्वेश्चन ये वाला चलो अगला क्वेश्चन क्या है कि 500 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े एक मैदान में 30 मीटर लंबा अब देखो मैदान है उसमें 30 मीटर लंबा 20 मीटर चौड़ा और साढ़े बारह मीटर गहरा तालाब खोदा जाता है यानी इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसा है ये मैदान है इस मैदान की लंबाई है पांच मीटर चौड़ाई है तीन मीटर सॉरी तीस मीटर अब बोल रहे इस मैदान में अपने को एक आ, यहां पर तालाब खोदना है इसकी लंबाई है तीस चौड़ाई है बीस और गहराई है साढ़े बारह ठीक है अब बोल रहा है मिट्टी को शेष भूमि पर बराबर फैला दिया जाता है जो इस इस तालाब से मिट्टी मिट्टी निकाली वो क्षेत्र पर फैल जाएगी तो बोल रहा है भूमि की ऊंचाई कितनी मीटर बढ़ जाएगी यानी जब मिट्टी को जब देखो मैंने गड्ढा खोदा गड्ढे से निकाली मिट्टी इसको उसके चारों ओर बिछा दिया तो मिट्टी क्या होगी समान लेवल पर बिछाई तो इसका मतलब तो उसकी हाइट क्या होगी बढ़ जाएगी अब वो हाइट कैसे निकालेंगे जरा सुनना आप सबसे पहले मुझे पता है जो मिट्टी निकलेगी वो इस गड्ढे के आयतन के बराबर होगी तो गड्ढे का आयतन क्या हुआ बेटा तीस लंबाई चौड़ाई बीस और गहराई कितनी साढ़े बारह ये गड्ढे का आयतन हो गया ये गड्ढे का आयतन क्या हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हमारे पास हो गया गड्ढे का आयतन अब ये जो मिट्टी का ये एक तरह से मिट्टी का आयतन अब मिट्टी का बिछाई आपने मिट्टी बिछाई इस वाले एरिया में और आयतन के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं आयतन क्या होता है हमेशा बेस का क्षेत्रफल इसका बेस बेस क्या होगा इसका बेस होगा बाहर के आयत में से अंदर का आयत घटा दो थीके? तो पांच सौ गुणा तीस इस बात को समझना अच्छे से ये बाहर का क्षेत्रफल हो गया माइनस अंदर का क्षेत्रफल कितना हुआ, तीस गुणा बीस और इसकी ये जो क्षेत्रफल आया इसको ऊंचाई से गुणा करूंगा तो ये आयतन होगा और आयतन वो किसका होगा मिट्टी का तो ये आयतन इस आयतन के क्या होगा दोस्तों बराबर होगा इसको सॉल्व करना है हमें केवल तीस को आ गया और तीस को ओमन आया तो इसके अंदर पांच सौ में से दो बीस घटाया तो कितना होगा चार सौ अस्सी मैंने कैलकुलेट नहीं किया इसको मैं इसको ऐसे सिंपल वे में लिख रहा हूं तीस गुना बीस गुना साढ़े बारह तो देखो तीस से तीस कट गया है, बिल्कुल है। तो एच का मान निकालेंगे तो बीस गुना साढ़े बारह डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गए चार सौ अस्सी चौबीस ठीक है चलो देखते हैं पूरा पूरा नहीं जा रहा है शायद आसपास तो आएगा ही आएगा करते हैं कहीं ना कहीं कोशिश तो करें कुछ कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है तीस बीस सही है पांच सौ में से अगर अपने तीस इंटू बीस अपने पास है मतलब ठीक है सब कुछ सही है अपनी तरफ से तो क्योंकि तो सब मीटर में है कोई नहीं चलो देखते हैं आगे क्या है भाई साढ़े बारह अगर अपन देखें तो पच्चीस होता तो नीचे एक बटा दो हो जाता लगभग आ सकता है अपने पास आंसर ठीक है लगभग आ सकता है अपने पास आंसर पूरा पूरा कटेगा भी नहीं तो लगभग एक बटा दो मीटर इसका आंसर ले सकते हैं लगभग इसका आंसर है ठीक है क्योंकि

बीस गया तो कितना बचेगा चार बचेगा हमारे पास ओके okay. और ये चार हमारे पास हो गया इसके बाद अगर हम देखें तो चार का भाग लगा तीस से तीस कट गया है तो ये। ये तो साढ़े बारह बटा चौबीस लगभग एक बटा दो मीटर इसका आंसर है ठीक है हाँ अगर ये 520 होता तो बहुत इजीली हो जाता क्योंकि 520 होते बीस होते पांच सौ जाता पांच हो सौ होते नीचे 25 हो, 25 हो जाता 25 होते सीधा एक बटा दो आ जाता ठीक है चलो अगला क्वेश्चन क्या है उस बेलन की ऊंचाई क्या है जिसके आधार की त्रिज्या और आयतन 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के बराबर हो बोल रहा है उस बेलन की ऊंचाई क्या है जिसके आधार की त्रिज्या तथा आयतन 12 सेंटीमीटर देखो त्रिज्या भी और व्यास जो आयतन जो है वो 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के बराबर हो यानी बेलन की त्रिजा हो गई अपने पास छह सेंटीमीटर बेलन का आयतन क्या होता है पाईआर स्क्वायर एच और गोले का आयतन होता है चार बटा तीन पाईआर अब यहां पर क्लियर बोला है इन दोनों का आयतन समान है और त्रिज्या भी क्या इनकी समान है तो पाई से पाई विदा हो गया आर से दो बार कट गया तो आर रह गया तो एच का मान क्या हो गया एच का मान हो गया चार बटा तीन और आर का मान कितना है आर का मान आठ सेंटीमीटर तो तो मतलब सी इसका करेक्ट आंसर था बहुत सीधा सा क्वेश्चन था अगला है अस्सी सेंटीमीटर के व्यास वाली एक बड़ी गेंद को पिघलाकर दस सेंटीमीटर वाली त्रिज्या वाली कितनी गेंदे बनाई सकती है तो उसका संख्या वाला क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था क्या बड़े आयतन अब 80 अपने पास व्यास है तो त्रिजा अपने पास क्या क्या होगी 40 इसके आयतन में आप क्या करो? वैसे आयतन में वैसे तो चार बड़ा भी लगेगा साथ में हो गया सीधा सिक्सटी फोर इसका क्या हो गया आंसर सिक्सटी फोर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है क्या कह रहा है एक धातु के आयताकार ब्लॉक के माप इक्कीस सतहत्तर और चौबीस सेंटीमीटर है ठीक है उस ब्लॉक को पिघलाकर एक गोला बनाया गया गोले की त्रिज्या याद करो सिंपल सिंपल वे में बार बार आयतन समान होता है जब भी कन्वर्ट करोगे आप हमेशा आयतन समान होगा दोस्तों तो गोले का आयतन क्या हुआ गोले का आयतन हुआ चार बटा तीन पाई आर क्यूब और ये का आयतन किसके बराबर ब्लॉक के आयतन का तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बस फोर नीचे ऊपर थ्री बाईस बटा सात बस ये करना है आपको और यहां पर जान लो क्यूब की फॉर्म में तो क्यूब में वैल्यू आनी चाहिए कर सकते हैं काटा इसको ग्यारह से सात ये दो चार दो आठ आठ से कट गया तीन बार तो देखो एक तरह से बिल्कुल हमारे पास क्यूब बन रहा है यहाँ पर देखो सात एक गेरा सात एक, एक साथ इसमें रहा तीन और तीन एक एक तीन तो यहां पर इक्कीस का क्यूब आ गया एक तरह से सीधा सीधा तो आर का मान कितना आ गया आर का मान आ गया इक्कीस सेंटीमीटर इसका करेक्ट जवाब हो गया तो इजी था ना क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालना

कितनी वृद्धि हो गई एक की वृद्धि हो गई हाँ अगर पूछा जाए कितना हो जाएगा तो आंसर क्या होगा 225% परसेंट हो जाएगा सवा दो गुना हो जाएगा और वृद्धि पूछे तो इतना हो जाएगा एक लंब वृद्धि शंकु के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है उसका का क्षेत्रफल याद करो शंकु का व्यास 14 है यह आ जाएगा सात चौबीस पच्चीस ठीक है पाईआर पूछ रहा है आपसे बस पाईआर वकप्रस्ट तो पाई को पाई रहने देते हैं आर का मान सात है और का मान पच्चीस बीकावन में अगला क्वेश्चन देखते हैं बावन क्या है किसी बेलन का आयतन एक सौ चौवालीस पाई एच है सेंटीमीटर में जहां एच ऊंचाई है ठीक है बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करो तो दोनों का आयतन समान कर दो पाई आर स्कवायर एच बराबर एक सौ चौवालीस पाई एच पाई से पाई से कट गया एच समान है कट गया आर स्क्वायर बराबर बारह का स्क्वायर चलिए फटाफट से इसका आंसर निकाल दीजिए बताओ क्या आएगा बारह बारह अच्छा व्यास पूछा है तो बिल्कुल टू आर बराबर बारह दुनिक चौबीस इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है अगला क्वेश्चन देखिए कर सकते हो दो आर वन और आर टू त्रिजा वाले तथा बराबर ऊंचाई के शंकु को पिघलाकर अब देखो यहां पर त्रिज्या अलग दे रखी है पर ऊंचाई बराबर दे रखी है एक आर त्रिज्या वाले ठोस गोले के रूप में परिवर्तित किया गया शंकु की ऊंचाई ज्ञात करो शंकु की ऊंचाई यहां पर समान है तो उन दोनों को पिघलाकर आपने गोले में कन्वर्ट किया तो भाई गोले में क्या बोल रहा है आर त्रिज्या वाले गोले में परिवर्तित किया है तो बोल रहा है शंकु की ऊंचाई ज्ञात करो शंकु का आयतन क्या होता है बेटा एक बटा तीन पाई आर वन स्क्वायर एच प्लस एक बटा तीन पाई आर टू स्क्वायर एच बराबर आपने किस में कन्वर्ट किया गोले में गोले का आयतन चार बटा तीन पाई आर क्यूब ये होगा पाई 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 कॉमन लेके काट दो तीन सब में कट जाएगा बिल्कुल कट जाएगा एच कॉमन लूंगा तो, जाएगा, तो यहां पर बचेगा चार आर, क्यूब आर वन स्क्सर प्लस आर टू स्क्वायर ये है क्या ऑप्शन में ये ऊंचाई है हमारे पास ये सीधा तरीका था इसका देखो कहीं है क्या ऑप्शन में बिल्कुल ऑप्शन सी शायद इसका बिल्कुल सिमिलर सी वाला बिल्कुल सही है चार आर क्यूब बिल्कुल ठीक है तो आंसर आया ना आपका चलिए अगला क्वेश्चन देखो

आ जाएगा 800 वृद्धि कितना हो जाएगी 700 परसेंट ठीक है 700 परसेंट ऑप्शन ए एक ठोस बेलन का कुल प्रष्ठी क्षेत्रफल आपको दे रखा है कितना चार सौ बासठ का क्षेत्रफल का एक तिहाई है ठीक है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का कुलप्रष्टीय क्षेत्रफल चार सौ बासठ है वकप्रष्ट का क्षेत्रफल एक तिहाई है

योग है 154 अब मुझसे बोला बेलन का आयतन तो यहां से अपने को r और h निकालना पड़ेगा ओके और मुझे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr h r 462 अगर मैं इसमें इसका भाग लगाता हूं तो अपने पास देखो r और h में संबंध निकल के आएगा ठीक है अब इसका एक तरीका और है हम इसको खोल सकते हैं 2πrh 2πr की फॉर्म में 462 अपने पास ये है तो एक तरह से अगर अपन देखिए देखो तो ये अपने पास, एक ही था, दो है, अपने पास ये हो जाएगा ठीक है तो अपन एक काम करते कर दो कितना हो जाएगा? जाएगा ओके तो आ, पाई आर पाईआर स्कवायर बराबर एक सौ चौवन हो गया तो यहाँ पर आर का मान कितना हो जाएगा आर का मान आपको पता है सात होना चाहिए यहां पर यहाँ पर आर का मान होगा सात और आर का मान सात हो तो एच का मान निकाल लो इससे एच का मान निकाल लेते मान क्या होगा यहाँ पर तो का मान आ जाएगा अपने पास 22 बाईस कट का 7 बार तो ऊंचाई आ गई 7 बटा दो तो यहाँ पर आर आ गई अपने पास सात और वहां पर ऊंचाई आ गई 7 बटा दो आयतन पूछ रहा है तो आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच आर का मान कितना है आर का मान सात एच का मान सात बटा दो पाई से पाई ये कट गया कट गया ग्यारह बार 49 गुना ग्यारह तो सेंटीमीटर

अगला क्या कह रहा है यदि एक लंब वृत्तीय बेलन का काटा पिटूंगा तो कुछ सारी नहीं। देखो जैसे इसका भाग लगाया चलो पढ़ लेते हैं एक बार बेलन की त्रिज्या से ऊंचाई का अनुपात केवल x से स्वतंत्र है बेलन की त्रिज्या से ऊंचाई का अनुपात केवल y से स्वतंत्र है ओके और या तो ए या तो बी न तो ए न तो बी देखते हैं क्या निकलता है अगर मैं यहां से अनुपात निकालता हूं दोस्तों तो अनुपात निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मैंने इसमें इसका भाग लगाया तो पाई आर स्क्वायर एच बटे टू पाई आर एच जिसका मान वाई बटा एक्स हो गया तो एच से एच कट गया तो आर का मान आ गया वाई बाय एक्स ठीक है अच्छा ऊंचाई का भी बात कर रहा है वो और अब मैं ऊंचाई निकालना चाहता हूं यहां पर तो ऊंचाई के लिए मैं क्या करूं अगर मैं इसका स्क्वायर कर लू ठीक है तो यहां पर चार स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई एक्स से पाई से स्क्वायर एक तो मान अपने पास क्या गया। एक तरह से एक्स स्क्वायर अपॉन फोर वाई आ गया अब मुझसे बोल रहा है कि बेलन की त्रिज्या से ऊंचाई का अनुपात तो त्रिज्या का अनुपात आया वाई बाई एक्स और ऊंचाई का अनुपात है एक्स स्क्वायर अपॉन फोर वाई ठीक है तो यहां पर कुछ कट रहा है क्या हमारे पास बिल्कुल नहीं कट रहा अपोजिट की वैल्यू आ रही है अगर मैं काटूंगा भी तो देखो यहाँ पर ऊपर है वाई पर ऊपर तो इसका मतलब अनुपात स्वतंत्र नहीं है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है है बेलन की त्रिज्या से से ऊंचाई का अनुपात केवल स्वतंत्र तो एक्स से स्वतंत्र ना वाई से दोनों की दोनों वैल्यू आएंगी तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा तो ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन हो गया हमारे लिए अट्ठावनों क्या कह रहे हैं कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल छह वर्ग मीटर है क्या होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल ऑफ एल प्लस बी गुणा एच ये सौ साठ मीटर स्क्वायर है उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है तो यहाँ पर एल बराबर क्या है टू बी हमारे पास है आगे कह रहे हैं यदि कमरे की ऊंचाई ग्यारह मीटर हो तो उसके कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा तो निकाल सकते हैं बिल्कुल ऊंचाई हमारे पास क्या है यहाँ पर ऊंचाई अपने पास है ग्यारह मीटर तो यहाँ पर टू एल की जगह टू बी टू बी ग्यारह बराबर सौ साठ ग्यारह दुनी बाईस से काट गया ये तीस बार योग्य तीन बी बराबर अपने पास तीस तो बी का मान दस आसान है और बी का मान दस है तो एल का मान कितना हो जाएगा का मान हो जाएगा डबल बीस और मुझसे पूछ रहा है फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई यानी बीस गुणा दस आ, दो सौ होना चाहिए ये पूछा ना उसके फर्श का क्षेत्रफल बिल्कुल ठीक है देख लो कैलकुलेशन की गलत की हो तो बाकी सब तो ठीक है कमरे के चारों दिनों का क्षेत्रफल छह सौ साठ ग्यारह दूनी बाईस बाईस से काटा तीस बार ठीक है तो टू और थ्री बी थ्री भी बराबर तीस है तो बी का मान दस आया तो यहां पर बी का मान दस है तो यहां पर बिल्कुल सही है सब कुछ ठीक है तो एल का मान अपने पास डबल हो जाएगा वर्ग क्षेत्रफल यानी इसका आंसर अपन ने तो सही किया है लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है ये भी ठीक है लंबाई है जो चौड़ाई की दोगुनी है तो टू बी और एक बी थ्री भी हो गया हमारे पास बाकी सब ठीक है यहाँ पर चलिए तो बिल्कुल वर्ग मीटर में है Uh, सही है इसका आंसर यहां पर कोई भी ऑप्शन अपन चेंज कर लेते हैं एक बार तो ये अपना आंसर हो गया ऑप्शन सी ओके क्लियर है चलो अगला क्वेश्चन क्या है फिफ्टी नाइन्थ क्या है एक बगीचे के रोलर का व्यास एक बगीचे में रोलर इसका व्यास ये है तथा लंबाई दो मीटर है इसके पांच चक्कर लगाने में दूरी तय करेगा क्षेत्र ये दूरी नहीं है वैसे क्षेत्र होना चाहिए दूरी देते हैं यहां पर क्षेत्र कर देते हैं हम लोग क्षेत्र निकाल लेते हैं इसका क्या पूछ रहा है क्षेत्र कितनी क्षेत्र तय करेगा ओके हिंदी पे ध्यान ना दे आगे बात करते हैं अब देखो जब रोलर घूमता है जैसे मान लो रोलर चल रहा है तो रोलर क्या करता है एक चक्कर का मतलब एक एक वक्र पृष्ठ तय करता है वक्र पृष्ठ टू पाई आर एच इतने चक्कर पांच चक्कर पांच गुणा दो गुणा बाईस बटा सात आर का मान कितना है आर का मान अपने पास है एक पॉइंट चार का आधा और ऊंचाई कितनी है इसकी लंबाई दो है तो पॉइंट आया नीचे दस आएगा जीरो आ जाएगा और इसको काट लो अपन दुनी दस, दुनी बीस बीस से बीस गया सात से कट गया दो बार तो चौवालीस मीटर स्क्वायर क्षेत्र तय करेगा यानी ऑप्शन बी इसका आंसर है है तो तो जब भी रोलर लगाता हमेशा तो वक्र पृष्ठ का हिस्सा तय करता है अगला क्वेश्चन क्या है अगला है कि के तीन लंब फलकों का क्षेत्रफल यानी आपको दे रखा है एल बी का मान एक तरह से एक्स एल एच का मान आपको दे रखा है एल एच का मान आपको दे रखा है वाई और बीएच का मान जो दे रखा है वो अपने को है जेड ये आपको दे रखा है आयतन दे रखा है आपको एक सौ साठ मीटर क्यूब तो

साठवें क्वेश्चन में एकसठवा क्या कह रहा है एक घन का आयतन आपको दे रखा है तो घन का आयतन सत्रह अट्ठाइस तो मतलब है।, मतलब है तो है तो चौसठ ऑप्शन ए बासठ दो घनाकार पासो की कोर आपको दे रखी एक सेंटीमीटर इन पासो के एक वक्र पृष्ठ को आपस में चिपकाने पर बने ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो क्या बोल रहा है दो घनाकार से है एक की भुजा एक दूसरे की भुजा भी एक होगी ठीक है तो लंबाई कितनी होगी दो चौड़ाई एक और ऊंचाई भी क्या रहेगी ऊंचाई समय समान रहेगी एक की एक तो क्या होता है फॉर्मूला ट्विस्ट ऑफ एल गुना भी एल गुणा एच और बी गुणा एच तो चार पांच पांच दो दस इसका आंसर होगा ऑप्शन ए तो ये तो सीधे क्वेश्चन है जहां पर आप डायरेक्टली कर सकते हैं उनको सीधा करें एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग उन्नीस है विकर्ण की लंबाई ग्यारह है तो घनाप का संपूर्ण पश्चिम क्षेत्रफल निकालो तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग दस है तो हो गया थ्री सिक्सटी वन माइनस वन ट्वेंटी वन आंसर आएगा इसका टू फोर्टी बिल्कुल तो इसका आंसर क्या होगा दो सौ चालीस ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब है तिरसठ में चौसठ की बात करते हैं घनाभ की कोरे आपको तीन चार पांच बारह सेंटीमीटर है ठीक है घनाप के विकर्ण की लंबाई याद करो तो घनाप की कोरे मतलब तीन भुजा होती है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीन भुजा होती है और विकर्ण पूछ रहा तो विकर्ण विकर्ण क्या होता है में स्क्वायर अपन बोल रहे हैं ना यहाँ पर विकर्ण को डी नाम दे देते हैं डायगनल बराबर विकर्ण रूड में एल यानी तीन का स्क्वायर फिर चार का स्क्वायर फिर बारह का स्क्वायर एल गुणा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हमारे पास होता है तो देखो जा रहा है यहाँ पर वैसे ये पांच हो जाएगा पांच बारह तेरा हो जाएगा

ठीक है ऑप्शन में दोनों थे जल्दबाजी नहीं करनी है मीटर तो हमेशा प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रूड में सबको स्क्वायर करके रूड कर दो तो बारह का स्क्वायर एक सौ चौवालीस नौ का स्क्वायर इक्यासी और आठ का स्क्वायर चौसठ इन सबको जोड़ के चार पांच चार पांच चार नौ और चौदह छह बीस और अट्ठाईस दो सौ नवासी तो आंसर कितना आएगा बेटा सत्रह मीटर लंबा बांस रखा जा सकता है सबसे लंबा ठीक है विकर्ण आ गया हमारे पास और सिक्सटीन क्या एक बोलनाकार बोतल का व्यास दस सेंटीमीटर है यदि इसमें चौदह सेंटीमीटर ऊंचाई तक द्रव भरा हो तो द्रव का आयतन ज्ञात करो आयतन निकालना है बेलनाकार है पाई पाईआर स्क्वायर है हमारे पास सीधा सीधा पाई का मतलब बाईस बटा सात अपने पास पांच है क्योंकि व्यास लिखा हुआ है पाईआर स्क्वायर एच का मान क्या है दस दस नी चौदह एच का मान चौदह है हमारे पास तो रख लो सीधा सीधा वैल्यूज तो काट दो इसको ये कट गया दो बार तो बाईस पांच एक सौ दस एक सौ दस यानी ग्यारह सौ ऑप्शन बी सिक्सटी नाइन में आंसर इसका उसके बाद क्या है सत्तर वाई बेलन की ऊंचाई ग्यारह सेंटीमीटर वक प्रश नौ सौ अड़सठ सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी निकाल सकते हो वक प्रश क्या होता है बेलन का टू पाई आर एच टू पाई आर एच आर का मान अपने पास है नहीं एच का मान ग्यारह है और टोटल नौ सौ अड़सठ इसके बराबर है ये तो ग्यारह से काटो पहले ग्यारह अट्ठासी ग्यारह से कट जाएगा से क्षेत्रफल नौ सौ चौबीस है, है, है त्रीजा क्या है यदि ऊंचाई चार सौ इकतालीस सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल है यानी वर्गमूल होगा तो ऊंचाई कितनी आ गई ऊंचाई आ गई अपने पास इक्कीस ठीक है अब वक्रश् पिछले क्वेश्चन जैसा ही है टू भाई। अब केवल स्पीड बढ़ानी है आपको प्रैक्टिस कर करके क्योंकि लगभग सारे कवर हो चुके हैं मोटे मोटे चीजें हमने कवर कर ली है। और अब आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए पूरा त्रीजा तो कर तो आ गई बेटा सात सेंटीमीटर आंसर है ऑप्शन राइट आंसर क्वेश्चन में चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बेहतर एक बेलन का आयतन साठ पाई है बेलन का आयतन क्या होता है बेटा पाई 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 नहीं पाई। और इसके आधार का क्षेत्रफल पाई 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 है है आधार क्या पाई आर पाई। तो ऊंचाई का मान निकाल लो सीधा सीधा तो कट जाएगा बिल्कुल पांच बार तो ऊंचाई आ गई पांच लेकिन पूछ रहा है इसकी ऊंचाई का घन ज्ञात करे पांच का क्यूब एक सौ पच्चीस तो ये थोड़ा सा जल्दबाजी ना करे ऑप्शन में पांच भी लिखा हुआ है हमारे पास ठीक है तो मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन जो एग्जाम में क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं तो आपको मतलब में से निकालना आपको अच्छे से। क्या है? एक बेलन की त्रीजा और ऊंचाई का अनुपात एक अनुपात तीन है तो बेटा आर और एच का अनुपात एक अनुपात तीन है तो आर को एक्स मान लो ऊंचाई का तीन मान लेते हैं बेलन का आयतन बत्तीस चौतीस घन सेंटीमीटर है बेलन का संपूर्ण प्रश्न क्षेत्रफल ज्ञात करो तो आयतन दे दिया आपको पाई आर स्क्वायर एच बराबर ठीक है एक्स क्यूब बराबर बत्तीस चौबीस बत्तीस चौतीस डिवाइडेड बाय बाईस सात ऊपर तीन नीचे ग्यारह से काट ले ग्यारह दूनी बाईस ग्यारह दूनी बाईस तो दस बचेगा ग्यारह निन्यानवे ग्यारह चौक चौवालीस तीन नाम सत्ताईस तीन अठे चौबीस है मुझे सात का स्क्वायर और सात की पावर एक तो तो, तो का का मान मान कितना का दोस्तों सात और एक्स का मान सात है तो यहाँ पर त्रिजा कितनी हो गई त्रिजा हो गई सात और ऊंचाई हो गई सातिया इक्कीस क्योंकि अनुपात है ना संपूर्ण प्रश्न पूछ रहा है बेलन का क्या होता है टू पाई आर एच प्लस आर ये होगा इसका अब देखो यहां पर क्या करना है आपको दो कुछ नहीं करना मान रखना है बस आर का मान कितना है बेटा का चौवालीस गुना अट्ठाईस कोई का है है? को दो है क्या अरे तीन तीन इकाई अंग दो वाले और चार दुनिया आठ यानी लगभग बारह बत्तीस के आसपास आना चाहिए इसका आंसर कर लेते हैं अट्ठाईस चौक एक सौ बारह सौ बारह ग्यारह एक सौ बारह और ग्यारह एक सौ तेईस ऑप्शन ए इसका राइट right आंसर है समझ आया आपको एक लंब शंकु के आधार का व्यास चौदह है शंकु की बात कर रहा है वृप्रश्न पांच सौ पचास है तो पूछ रहा है इसका आयतन क्या होगा तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल मान 550 आपको दे रखा है व्यास 14 है तो त्रिजा सात हो जाएगी तो एल का मान आ गया 550 सौ पचास डिवाइड तो एच आ गया एल आ गया 25 तो यहां पर देखो आपको आयतन पूछा है तो आयतन के लिए क्या चाहिए मुझे आयतन की ऊंचाई चाहिए ये सात है ये पच्चीस तो बताओ उसका मान क्या होगा चौबीस से निकाल सकते हैं ना समकोन त्रिपुष में निकाल सकते हैं आयतन क्या होता है शंकु का एक बटा तीन भाई आर का मान कितना है आर का मान सात आठ बार बाईस इंटू छप्पन तो बत्तीस अभी पिछले क्वेश्चन में किया था इसलिए वैल्यू याद है सी इसका आंसर है सेवेंटी फिफ्थ की बात करते हैं एक लंब शंकु का निर्माण हेतु किस प्रकार का त्रिभुज चाहिए तो देखो एक समकोण त्रिभुज को जब रोटेट किया जाता है ना तो हमेशा ये पूछ सकता है आपसे तो एक क्या बनता है शंकु बनता है कभी भी

पाई आर स्क्वायर एच का मान कितना है नौ कट गया ये कट गया इसे तीन बार तो बाईस गुणा इक्कीस इक्कीस दूनी बयालीस हासिल चार तो चार सौ बासठ ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है ठीक है अगले क्वेश्चन की बात करें दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात एक अनुपात तीन है तथा इसके आधार का व्यास तीन अनुपात पांच है तो पूछ रहा आयतन का अनुपात आयतन क्या होता है एक बटा ठीक है पाई आर का मान कितना है पहले वाले मार का मान है अपने पास जो हमारे व्यास का अनुपात है ना वही त्रिज्या का अनुपात है ध्यान रखना तो पाई आर स्क्वायर एच का मान कितना है एक दूसरे में एक बटा तीन पाई आर का मान कितना है पांच का स्क्वायर पच्चीस और एच का मान तीन ठीक है समझ आ गया आयतन आयतन लिखे कट गया ये कट जाएगा दोनों में तीन से काटा तीन बार तीन से काटा कट गया

एच का मान अट्ठाइस डिवाइडेड बाय गोली का आयतन चार बटा तीन तीन ऊपर चला गया चार बटा तीन पाई आर क्यूब डेढ़ का आधा सब जगह डेढ़ का आधा किया है ना पता है ना क्यों चलो बस कैलकुलेशन करनी है ये कट गया पॉइंट से पॉइंट ये डेढ़ इंटू चार छह हो गया कट गया है भी ये डेढ़ से काटा इसको दो बार ठीक है डेट से कट गया है चार बार सिर्फ गुणा करना है आपकी बार आपको तो इकाई अंक क्या आना चाहिए देखो इकाई अंक में अपने पास चार भी है दो भी है देखते हैं चार अठे बत्तीस बत्तीस कितना हो गया दो दो दुनी चार चार दूनी आठ आठ दूनी सोलह सोलह दूनी बत्तीस यानी दो आएगा यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी इकाई अंक देख के आप जज कर सकते हैं अगला है सेवेंटी नाइन एक शंकु अर्धगोला और बेलन एक ही आधार वह ऊंचाई पर बने इसका मतलब है उनकी त्रिजा और ऊंचाई उनकी ऊंचाई दोस्तों क्या है समान है आपको दे रखिए तो उनके आयतन का अनुपात ज्ञात करो तो पहले शंकु शंकु, शंकु का आयतन क्या होता है एक बटा तीन पाईआर स्क्वायर एच अर्धगोला क्या होता है दो बटा तीन पाईआर क्यूब और बेलन क्या होता है पाईआर स्क्वायर एच पाई से पाई तीनों में कट गया आर स्क्वायर तीनों में कट गया यहाँ आर रह गया तीन से तीन से तीन ही काटना अभी तीन तीनों में है अपने पास तीनों में नहीं दो में ही है तीनों में होता तो काट देते इसको

और एक लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है यदि 11 सेंटीमीटर आपस में क्या होगी दोस्तों मतलब आयतन दोनों का क्या होगा समान तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई यानी मोमबत्ती बेलनाकार है आर का मतलब एक क्योंकि दो पॉइंट व्यास है ऊंचाई का मान एच दे रखा है आपको ठीक है और ये ग्यारह गुणा साढ़े तीन गुणा दो पॉइंट चार के आयतन के बराबर होगा ठीक है एच गुणा पॉइंट समान है कट दो ठीक है ग्यारह से कट गया दो बार सात पांच पैंतीस सात दो चौदह ट गया दो बार ये हो गया आठ तीन पंद्रह सेंटीमीटर तो इस तरह से हमने अस्सी क्वेश्चन आज कर लिए और मुझे उम्मीद है कि आपको अस्सी क्वेश्चन देखो मैंने स्पीड से इसलिए कराए क्योंकि आप एग्जाम टाइम बिल्कुल सामने है और आपका आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए तो जितने ज्यादा क्वेश्चन मैं कर सकता था मैं करवा रहा हूं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा हूं और साथ ही फॉर्मुले आपको याद भी करवा ही रहा हूं क्योंकि फॉर्मुले यूज करता हूं तो आपको याद होते हैं तो आप जब भी इस लेक्चर को देखें तो आप साथ में फॉर्मूले के लिए आप किताब भी रख सकते हैं अपने पास में ठीक है लेकिन मैं आपको बताऊँ फॉर्मूले के पीछे कॉन्सेप्ट जो है वो समझना जरूरी था ठीक है उसकी भी कभी क्लास लेकर आऊंगा लेकिन अभी केवल प्रैक्टिस करने की बात करते हैं तो ये आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है तो मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ और फिर मैं चालीस क्वेश्चन और लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए तब तक के लिए धन्यवाद थैंक यू सो मच